दोस्तों आज हम बलून यूज करके एक ऐसी पेंटिंग बनाएंगे जिसको कोई भी बिगनर कोई भी बच्चा इजीली बना सकता है और इस पेंटिंग का जो इफेक्ट है बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट आएगा। और यहाँ पे मैं नियॉन कलर्स ले रहा हूँ, काफी ब्राइट कलर्स ले रहा हूँ। दोस्तों मैं पहली बार बलून से पेंटिंग करने जा रहा हूँ जो अपने आप में एक अलग काफी चैलेंजिंग टास्क होने वाली है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिन्होंने अभी तक नहीं करा है। तो दोस्तों वीडियो पे बने रहिए, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे मैं कौन सी टेक्निक यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने ब्राउन शीट यूज करी है, आप चाहे तो ब्लैक शीट भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों पेंटिंग शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोगों को कलर बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। अलग अलग कलर को अलग अलग जगह पे रखकर बलून में जब हम उसको लगाएंगे तो अपने आप ही एक अलग तरह का पैटर्न बनेगा जिससे हमारी पेंटिंग बनकर तैयार होगी। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों मैंने यहाँ पे काफी छोटे बलून लिए हैं क्योंकि मुझे एकदम अलग तरीके की ये पेंटिंग क्रिएट करनी है। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी शीट के अकॉर्डिंग किसी भी तरह के बलून्स यूज करके किसी भी साइज के बलून्स यूज करके अपनी पेंटिंग को एक अलग ही इफेक्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं इस पेंटिंग को कोई बच्चा बच्चा भी बना सकता है। आप लोगों को खाली डिप करना है बलून को और अपने अकॉर्डिंग जिस तरह के आपको पैटर्न्स बनाने हैं उनको आप पेपर पे बनाते रहिए। और जब ये कलर मिक्स होते हैं तो एक अलग ही इम्प्रेशन पेपर के ऊपर बनकर आता है जिससे ये पेंटिंग बहुत ही अमेजिंग लगने वाली है। दोस्तों इस पेंटिंग को करने में भी बहुत ही कम समय लगता है, आप 5 से 10 मिनट के अंदर अपनी पेंटिंग को तैयार कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग भी इस पेंटिंग को ट्राई करना, बहुत ही कम समय लगता है और बहुत ही कम स्किल्स के साथ कोई भी इस पेंटिंग को बना सकता है। और मैं बताना चाहूंगा जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा वो प्लीज जाकर इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर ले, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और आप लोग अपने आर्टवर्क्स पेंटिंग्स भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं। तो आप लोगों को अब तक समझ ही आ चुका होगा हम लोग क्या बना रहे हैं। तो दोस्तों मैंने बलून्स यूज करके फ्लावर्स बनाए हैं और यहाँ पे मैंने ब्रश यूज करके उनकी स्टेम्स में बना रहा हूँ। लीव्स भी अभी बनाऊंगा, आप लोग देखते रहिए कैसे बना रहा हूँ। दोस्तों आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।